फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वायरस जनित रोग, ठीक है, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया किसका, एड्स का। तो आइए उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि और वायरस जनित रोग में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं और उसका क्या लक्षण है, उस कौन से वायरस से होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला आया क्या है, हाइड्रोफोबिया, जिसे हम कहते हैं रेबीज नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया जिसको हम लोग रेबीज नाम से जानते हैं, जनरली ये होता है ना कुत्ता काटने से होता है। कुत्ता या बिल्ली काट दे तो उससे हम लोग को रेबीज होने का डर रहता है। चलिए देखते हैं रोगजनक, मतलब कि कौन से वायरस के कारण ये हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हम लोग को होता है। तो वो है दोस्तों रेहेबडो वायरस। कौन रेहेबडो वायरस है, जो कि संतापित जंतु जैसे कुत्ता और बिल में पाया जाता है। तो ये जो है इनके कारण ही हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज नामक बीमारी हमारे शरीर में होती है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, इस बीमारी का लक्षण क्या है वो देखते हैं। सिर दर्द होना, हल्का बुखार होना, रोगी को जहाँ घाव हुआ है ना वहाँ पर क्या होता है, खुजली टाइप का ऐसे करता है ना, वैसा होने लगता है। और रोग की चरम समय जब हो जाता है तो रोगी पागल हो जाता है। क्या होता है, पागल। ठीक है, और वो पानी देख के डर लगता है, यानी पानी देखते ही डर लगता है, इसलिए बोलते हैं इसका हाइड्रोफोबिया, माने कि पानी से जो डरता हो। फोबिया माने होता है डर, हाइड्रो माने वाटर यानी पानी, तो पानी से डर। जब रोग इसमें मतलब कि रेबीज जो है इसमें चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तो जो इंसान को रेबीज हुआ रहता है ना वो पानी को देख के भी बहुत डरता है। ठीक है, और अंत अंत तक ये पागल हो जाता है। ठीक है, होने के कारण क्या है, यह रोग जो है लाइसा वायरस, कौन सा लाइसा वायरस टाइप 1 के द्वारा होता है, जो पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य में पहुंचता है। ठीक है, बचाव के उपाय क्या है, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना चाहिए और रेबीपुर तथा HTCV इस रोग के क्या टीका है। और रेबीज का जो टीका खोज किया था ना, रेबीज के टीका कौन किया था, लुई पाश्चर ने, जिन्होंने वायरस का नाम दिया है। ठीक है, उन्होंने ही रेबीज के टीका का भी खोज किया था। ठीक है, ये क्या था, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जो होता किससे है, रेहेबडो वायरस से होता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली में पाए जाते हैं। और लक्षण क्या है, सिर दर्द होना, हल्का बुखार होना, या फिर कहीं रोगी को घाव हुआ तो खुजली बहुत तंग करता है, मतलब चिल्लाहट बहुत खुजली होता है। रोग की चरम सीमा पर क्या होता है, रोगी पानी देख के डर जाता है और रोगी पागल भी हो जाता है। ठीक है, ये होता कहाँ है, तो लाइसा वायरस टाइप 1 द्वारा होता है, जो पागल कुत्ते में पाया जाता है। ठीक है, बचाव के उपाय क्या है, एंटी रेबीज टीका लगाइए, इंजेक्शन लीजिए, और जो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोज किया है उस टीका का लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया, चेचक या शीतला, हम बोलते हैं ना कि मात्रामाई हो गई है। जैसे कि गांव में देहात में क्या होता है कि लोगों को क्या होता है ना कि ये घाव जैसा शरीर में पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि इसको मातामाई आ गई है, सो नीम का पानी क्या क्या बहुत सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, पूजा पाठ होता है घर में, मतलब कि कुछ खाना पीना सब कुछ मैंने रोक किया जाता है। जनरली होता क्या है, वो होता है चेचक। क्या होता है वो, चेचक। देखिए लिखा भी हुआ चेचक या शीतला, तो ये भी जो है ना एक वायरस के द्वारा ही हमारे शरीर में फैलता है। और उस वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, जिसके कारण हमारे शरीर में चेचक यानी शीतला नाम का रोग होता है। लक्षण क्या है, लक्षण ये होता है कि बच्चों में क्या पहले होता है कि पहले बुखार आएगा, मतलब रोगी को बुखार आएगा और कांपने लगेगा रोगी, तो 2 से 3 दिन में बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन जैसे ही बुखार उतरेगा ना तो शरीर में मतलब कि क्या घाव जैसा खुंची लगा, ठीक है, बड़े बड़े दाने निकलने लगेंगे और ये फफोले यानी कि फोड़ा देखे हो जाएंगे। फिर उस मत क्या होगा, ये फोड़ा फूट के पानी बनने लगता है। ठीक है, ताकत में भरी पुटिकाओं में स्प्रित हो जाता है। अब ये पुटिकाएँ विस्फोट में बदल जाती हैं और इनके स्थान पर त्वचा पर धब्बे यानी दाग हो जाता है। ठीक है, उस दाग को क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं मिले तो आदमी क्या होता है, बदसूरत हो जाएगा, मतलब कि वो जो दाग होंगे, धब्बे होंगे जो शरीर में आ जाते हैं,
और कभी जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और क्या सकता है, आदमी अंधा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, नाक बहना, सिर दर्द, उल्टी, कमर का दर्द तथा शरीर में दाने का निकलना, ये सब क्या लक्षण है, ठीक है। होने के कारण क्या है, ये छूत के कारण फैलता है, ठीक है, छुआछूत के कारण फैलता है। और बचाव का उपाय क्या है, इसका भी टीका लगता है, चेचक का भी क्या लगता है, टीका लगता है, ठीक है। तथा इसके रोगी का अलग, मतलब जिसको ये हो जाता है, देखते हैं गांव में क्या होता है कि जिसको मतमे हो जाती हैं, चेचक हो जाता है, उसको एक अलग रूम में पूरा रूम साफ करके बढ़िया धोधा के रखा जाता है और एकदम घर में पूजा पाठ रहता है। मतलब सिंपली क्या होता है कि आम लोग को भी जाना मना हो जाता है वहाँ पर, कहें तो गाँव में क्या बोलते हैं लोग कि अरे उसको माता मैं निकली है, उस घर में मन पूजा पाठ सब होने लगता है। लेकिन होता क्या है, ये एक रोग है, चेचक रोग, जिसका दवा अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जापानी इंसेफेलाइटिस। नाम क्या है इसका, जापानी इंसेफेलाइटिस, मतलब ये नहीं हुआ कि जापान का रोग है। भारत में जो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो कहाँ हुई थी, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हुई थी। जो रोगजनक है, मतलब कि जो वायरस है जिसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, वो कौन है, आबरो वायरस। कौन सा दोस्तों, आबरो वायरस, ठीक है। वहाँ कौन से है, मतलब किसके थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वह है मच्छर। और उन मच्छर का नाम क्या है, क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा, क्यूलेक्स मच्छर, जो कि धान के खेत में भी अपना प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। रोग होने के कारण क्या है, मच्छर के काटने से अचानक ये वायरस हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं और हमारी ग्रंथियों पर आक्रमण यानी अटैक कर देते हैं। जो वो कौन ग्रंथि होता है, जो हमारे शरीर के लिए पाचन और रक्षा काम करता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन का जो काम करता है ग्रंथि, उस पर ही अटैक करते हैं। और उससे होता क्या है कि रक्त के साथ यह वायरस दिमाग, ठीक है, दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में घुस जाते हैं और उसको प्रभावित कर देते हैं। मतलब सिंपली कहा जाए, ये मच्छर जो है काटते हैं हमको है, और सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पाचन शक्ति वाला जो ग्रंथि है उसको और रोग को कंट्रोल करता है, उस ग्रंथि को अटैक करते हैं और वहाँ से ये हमारे दिमाग में घुसते हैं और दिमाग के साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेडुला के पास, ठीक है। तो और होता क्या, ये इसका संक्रमण जो होता है, इनका संक्रमण इतना तीव्र होता है कि 1 से 3 दिन में ही रोग के बहाने सर, मतलब कि 1 से 3 दिन में ही रोग जो है हमारे शरीर में पूर्ण रूप से अटैक करके घेर लेता है, ठीक है। और तो सिंपली कहा जाए, जो मच्छर है ना, कौन मच्छर, एलिसा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जो है, ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब कि 1 से 3 दिन में ही हम अपने चरम सीमा पहुंच जाएगा और हम कुछ का तर्क ग्रहित कर लेगा, ठीक है। इसका उपचार क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस का बचाव ही जा रहा है, मतलब कि कोई दवा नहीं है। इसके बचाव का कारगर उपाय क्या है, टीकाकरण, कौन, जेई वैक्सीन, जिसमें SA-14 का एक खुराक दी जाती है, ठीक है। जेई वैक्सीन एक दवा है, मतलब कि एक वैक्सीन है जो इसका एकमात्र उपचार है, ठीक है, कौन का, जापानी इंसेफेलाइटिस का, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों, तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके जनक कौन है, आबरो वायरस। वाहक कौन है, क्यूलेक्स मच्छर, जो धान के खेत में पाया जाता है। रोग होने का कारण क्या है, मच्छर के काटने से अचानक ये वायरस हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं और हमारे शरीर की उन ग्रंथियों पर आक्रमण करते हैं जो पाचन एवं रक्षा तंत्र में सहायक होती है, तथा रक्त के साथ साथ ये दिमाग एवं स्पाइनल कॉर्ड तक को प्रभावित कर देते हैं। इनका माने अटैक इतना तेज होता है कि 1 से 3 दिन में ये रोग के भयानक लक्षण सामने आने लगते हैं, ठीक है। उपचार क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस का बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है, लेकिन इसके बचाव के लिए हम लोग को टीका लगाना पड़ता है, कौन टीका, जेई वैक्सीन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है पोलियो। अब तो मान लीजिए कि हम लोग का देश जो है पोलियो मुक्त हो चला है,
कि पोलियो का जो है खुराक दो बूंदगी का दिया जाता है। हम लोग नहीं पिए हैं, हम लोग छोटे वाले दवा पिए हैं, ठीक है। तो दो बूंद जिंदगी का पोलियो का दवा दिया जाता है कि लोग को जो बचपन में जो वायरस अटैक करता है वायरस ना कर सके, ठीक है। तो जो पोलियो में जो वायरस होता है उसका नाम क्या है? पोलियो वायरस। क्या नाम है उसका? पोलियो वायरस, ठीक है। इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। कहां पर? आंत में। और आंत की दीवारों से होते हुए ये रुधिर प्रवाह के साथ रीढ़ रज्जू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीढ़ रज्जू में पहुंच जाते हैं, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा बच्चे क्या हो जाते हैं? विकलांग हो जाते हैं। यानी सिंपली कहा जाए तो बच्चा जन्म लिया, ये उसके खान पान के साथ इंटर किया, कहाँ? पेट में। पेट से कहाँ गया? आंत में गया। आंत से कहाँ गया? रीढ़ रज्जू में गया। और वहां जाते हैं क्या हो गया? जब वहां पहुंचा तो क्या किया? ये हमारे शरीर के मांसपेशियां को सिकुड़ देगा। जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा? जिस एरिया का मांसपेशियां सिकुड़ेगी उस एरिया से आदमी क्या हो जाएगा? विकलांग हो जाएगा, ठीक है। इसका उपाय यानी उपचार क्या है? तो पोलियो से बचाव के लिए दो प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। पहला कौन है? साल्क का किल्ड वैक्सीन। कौन सा दोस्तों? साल्क का किल्ड वैक्सीन, इसे इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। और दूसरा क्या है? साबिन का सजीव वैक्सीन, जो हम सब लोग लिए हैं, मतलब घर में जो पिए हैं पोलियो दो बूंद जिंदगी का, वहीं मुख द्वारा पोलियो ड्रॉप के रूप में, है ना। दो बूंद जिंदगी का प्रचार वाले दो बूंद लीजिए और पोलियो भगाइए, ठीक है। ये था पोलियो। तो इसके जो है पोलियो क्या है? जनक कौन है? पोलियो वायरस। इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के थ्रू हमारे आंत में पहुंच जाते हैं और आंत से हमारे रीढ़ रज्जू में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के हमारे शरीर के मांसपेशियां को सिकुड़ देते हैं। और जिस एरिया का मांसपेशियां सिकुड़ती है उस एरिया से आदमी विकलांग हो जाता है, उसे हम लोग पोलियो बोलते हैं, ठीक है। उपचार क्या है? दो उपचार है। टीका इसका एक टीका है जो मुंह के थ्रू लेते हैं, एक क्या है? इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। जो मुंह से लिए क्या है? साबिन का सजीव वैक्सीन, और जो लिए सुई से क्या है? साल्क का किल वैक्सीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट दोस्तों है कौन? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक तरह का बुखार ही है और भी जो है ना वायरस से फैलता है। तो चिकनगुनिया एक अफ्रीकी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? झुक जाना। क्या होता है? झुक जाना, ठीक है। जो इसके जनक है चिकनगुनिया को क्या है? ट्रोगा वायरस। कौन दोस्तों? ट्रोगा वायरस। ट्रोगा वायरस से ही हमारे शरीर में चिकनगुनिया फैलता है। वाक क्या है? एडीज एजिप्टाई एवं एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है। ये इसके वाहक हैं। लक्षण क्या है? मतलब मच्छर भी है, एडीज एजिप्टाई एवं एडीज एल्बोपिक्टस जो है ये सब मच्छर मक्खी ही है। लक्षण क्या है? सिर दर्द, अनिंद्रा, अत्यधिक थकान महसूस करना, शक्ति में कमी होना, बुखार आदि से क्या लक्षण है। उपचार क्या है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन फास्फेट प्रभाव दवा इसका है। कौन दोस्तों? तो क्लोरोक्विन फास्फेट इसका प्रभावी दवा है। तो हम लोगों ने आज पांच और रोग के बारे में पढ़ा जो कि वायरस द्वारा यानी कि विषाणु द्वारा हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोग जो कि वायरस द्वारा होते हैं, तो बातें करेंगे विस्तार से। धन्यवाद।